बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 10 चैप्टर 17। रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग PPR एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड अ बैलेंस शीट फॉर द सेम डेट। ओके, नेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2017। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कैश एट बैंक, कैश इन ऑफिस, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस हैं। आगे है सब्सक्रिप्शन, कम एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन $3,000 इंक्लूडिंग ₹200 फॉर 2016-17। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ये 2017-18 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2016-17, लेकिन ये जो है 2017-18 है, यानी जो अगले साल की भी हमने रिसीव कर ली। हमारा जो साल है ये है 2016-17, इधर उसने गलती से 16-17 लिख दिया, लेकिन यह है 17-18, यानी एडवांस ले ली है, तो इसमें 200 अगले साल की शामिल है। इसको हम करेंगे लेस एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये 200। नीचे एडजस्टमेंट में देख लें, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹120 फॉर 2015-16, यानी इसमें पिछले साल की भी शामिल है, वो भी नहीं आएगी, तो लिख दें लेस लास्ट ईयर। ये 120। इससे नीचे लाइन पे आ जाए, नीचे वाली लाइन पे सब्सक्रिप्शंस अमाउंटिंग टू ₹150 हैव स्टिल टू बी कलेक्टेड फॉर द ईयर 2016-17। 2017 की अभी हमने वसूल करनी है, यानी कलेक्ट नहीं हुई, करनी है, तो ये इस साल की है तो इसको ऐड करेंगे। लिखें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 150, 3000, इसमें से ये दो माइनस कर देंगे, ये है 320 और ये जो 150 ऐड कर रहे हैं, जाएगा 2830। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में बताया हुआ है, नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹30,000, यानी हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है ₹30,000 की, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट मिला है, तो ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,500। नीचे है बैंक इंटरेस्ट,
ये हमारे अकाउंट के ऊपर मिली होगी जो बैलेंस पड़ा है 10। आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ स्कूटर, स्कूटर जो है ये हमारा एसेट है, ठीक है। एसेट के ऊपर अगर कोई प्रॉफिट हो या नुकसान हो वो हम इधर लिखते हैं, जो पैसे मिलते हैं वो नहीं लिखते हैं। यानी ये रसीट है, रसीट को नहीं हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो स्कूटर हमने बेचा है ये इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान। तो हमने पढ़ा है कि दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक तो हमें कॉस्ट मालूम होनी चाहिए और एक हमें सेल प्राइस, तब हम प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। कॉस्ट उसने नीचे दी हुई है 320 और ये बिका कितने का है 250 का, तो इसका मतलब ये हुआ हमें 70 रुपीज़ जो हैं ये क्या हुआ, लॉस हो गया। कास्ट थी 320 और हमने बेचा कितने का 250 का, 70 रुपये लॉस। तो जो लॉस है ये दूसरी साइड पे आएगा, लिख लें इधर लॉस ऑन सेल ऑफ स्कूटर 70 और ब्रैकेट में आप इस तरीके लिख सकते हैं 320 माइनस 250, पता चल जाएगा। या अलग से वर्किंग बना दें या इधर लिख दें, ये साइड आपकी ख़त्म हो गई। दूसरी साइड पे आए, इधर लिखा हुआ है सैलरीज, सैलरीज जो हैं आपकी 3600 हैं। नीचे देख लें एडजस्टमेंट में कुछ हो, कुछ नहीं है, 3600 लिख दें बाहर वाले कॉलम में। इसके बाद है रेंट, रेंट है 600, इसकी एडजस्टमेंट नीचे आ रही है। आल्सो इंक्लूड्स ₹50 फॉर मार्च 2016, हमारा साल है 17, तो इसका मतलब ये इसके अंदर पिछले साल की शामिल है, लिख दें लेस लास्ट ईयर 50, ये माइनस कर दें आएगा 550। और निचली लाइन में लिखा हुआ है स्टिल आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर मार्च 2017, ये हमारा करंट ईयर है, इसके लिए अभी ये रेंट जो है रेंट फॉर मार्च 2017 है, स्टिल टू बी पेड एंड ₹25 आर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट अ स्टेशनरी बिल। यानी जो रेंट है ये हमारा अभी पेबल है और जो स्टेशनरी का बिल है वो 25 है। ये ऊपर लिखा था आल्सो रेंट इंक्लूड 50 फॉर मार्च 2016, रेंट फॉर मार्च 2017 है स्टिल टू बी पेड। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेंट है वो 50 जो है यानी एक महीने का, यानी ये 600 रुपये रेंट है पूरे साल का, इसको 12 पे डिवाइड करें तो 50, एक महीने का रेंट 50 है। तो ऐसे हो रहा है कि जैसे जुलाई का रेंट अगस्त में, अगस्त का सितंबर में करते करते तो मार्च का पे होना था अप्रैल में, तो एक महीने का जो रेंट है, जैसे ये देखें ये पिछले साल का आखिरी महीने का रेंट इस साल आ गया, इधर पे हुआ हमने माइनस कर दिया, अब ये अगले साल में जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगले साल लेके नहीं लेके जाएंगे, अगले साल में इसी साल में लिखेंगे। तो आप इधर लिख दें प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो ये इस साल का जो रेंट हो जाएगा वो 600 हो गया। पहले ये देखें 600 पूरे साल का रेंट है 50 मल्टीप्लाइड बाई 12 600, तो इसमें पिछले साल का एक महीना आ गया वो हमने निकाल दिया और ये जो अगले महीने पे होना था उसको इसी साल में लिखे। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये है 145, इसमें क्या नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि स्टिल पेबल आउटस्टैंड है 25 लिख दें प्लस आउटस्टैंडिंग मंथ 70।
उसके बाद है जी पोस्टेज, पोस्टेज ये 25, पोस्टेज के बाद है बाइसिकल परचेज, ये एसेट है, प्राइस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट में तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आप उसका बैलेंस कर लें, मेरी 2830 प्लस 1510 4340। अच्छा इस साइड का टोटल करते हैं 70 प्लस 3600 प्लस 600 प्लस 170 प्लस 25, इस साइड का टोटल आ रहा है 4465। इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है 4465, इधर से ये मिटा दें 4465, इसमें से ये माइनस कर दें 2830 माइनस 1510, इसका मतलब 125 जो है ये हमारा डेफिसिट, यानी क्या हुआ एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 125। अभी हमने मालूम करना है कैपिटल फंड, क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रहा, हम क्या करें। दो तरीके हैं, एक है बैलेंस शीट मेथड, एक है सिंपल कि आप फार्मूला लिख लें ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज़। तो इधर लिख लीजिए बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन में हम इस मेथड से कर लेते हैं। ये होगी एज ऑन, ये है 31 मार्च, तो इधर हम लिखेंगे 1 April 2016 जी। इसमें सबसे पहले आ रहा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 455, कैश इन ऑफिस ये है 55। इसी तरह इस 2015-16 के एंड में और इस 16-17 के शुरू में हमने 120 रुपये वसूल करने थे सब्सक्रिप्शन के, ये भी आपका ओपनिंग एसेट्स सब्सक्रिप्शन। इसी तरह रेंट जो है वो मार्च 16 या अप्रैल 16 के शुरू में पेबल था, ये हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी हो जाएगी, रेंट पेबल 50। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास स्कूटर था एक जो हमने बेच दिया साल के दौरान, ये स्कूटर था 320 रुपये का, तो आप लिख दें स्कूटर 320। इसी तरह एक इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी हुई थी 30,000 रुपये की, जिसके ऊपर हमें ये प्रॉफिट मिला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका ओपनिंग एसेट। ये आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई, और कोई एसेट नहीं है। अभी देखें 455 55 120 प्लस 320 प्लस 30,000, ये आपके आ गए 30,950। इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3900, इसको हम कहेंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, यानी एसेट में से ये ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड, और इधर लिख दें बैलेंसिंग फिगर, यानी ये हमने इसमें से ये माइनस करके निकाला। अब लास्ट हमारी बैलेंस शीट,
जी, सबसे पहले करंट एसेट्स, कैश इन ऑफिस, कैश एट बैंक ये 12, ये 113। अभी इस ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी हुई है, अभी तक इसको लिख लें इन्वेस्टमेंट 30,000। इसी तरह ये हमने साइकिल परचेज की है, बाईसाइकिल 95। प्राइस बॉन्ड हमने ख़रीदे हैं ये 680। सब्सक्रिप्शन जो है हमने जो अभी वसूल करनी है 150 है जी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये है 150। अब इधर आ जाएं, इधर हमारा रेंट पेबल है 50 रुपीस, कैपिटल फंड ये 30,900। अब यहाँ पे हमें डेफिसिट हुआ है तो डेफिसिट्स माइनस कर देंगे, डेफिसिट था 125। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो थी स्टेशनरी बिल जो है 25 का, वो भी लिख दें स्टेशनरी पेबल 30,900 माइनस 125 30,775। इसी तरह हमने एक सब्सक्रिप्शन जो है, जो हमने अभी करेक्शन की है, यहाँ पे हमने करेक्शन की है कि इंक्लूडिंग रुपीज़ 200 फॉर 2017-18। ठीक है, ये एडवांस हमने रिसीव कर लिया है, तो जो भी एडवांस लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वो हमारी लायबिलिटी होती है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये है 200। देखते हैं 50 ये हो गया 75 प्लस 30,775 प्लस 200, ये आपका आंसर आ रहा है जी 31050। इधर देखते हैं, ये हमने पहले लिख दिया प्लस 30,005 प्लस 680 प्लस 150, तो ये आपका इधर भी यही आ गया 31050। इसको कहेंगे टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।